करनाल में राष्ट्रीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर कृषि विविधीकरण के प्रख्यात किसान पद्मश्री कंवल चौहान जी पहुंचे। करनाल में राष्ट्रीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर पद्मश्री किसान कंवल सिंह चौहान ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। स्थापना दिवस पर संस्थान की एक वर्ष की उपलब्धियों पर चर्चा करने के साथ ही इन्हें किसानों तक पहुंचाने के लिए विस्तार में बातचीत की गई। संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि उनका संस्थान पिछले कई साल से कृषि और किसानों के लिए समर्पित होकर काम कर रहा है। 7वां दिवस स्थापना दिवस है और हमारे को बड़ी खुशी है कि इस मौके पे जो एक प्रबुद्ध किसान है इस क्षेत्र के श्री कंवल सिंह चौहान जी पद्मश्री से भी नवाजा है, वो यहाँ पे आए हैं। आपने उनके विचार सुने ही हैं, मैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि हमारा संस्थान किसानों की बेहतरी के लिए कटिबद्ध है और आगे भी ये प्रयास करता रहेगा। इस अवसर पर कंवल सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए नए प्रयास कर रही है, जिसमें कृषि कानून एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। गेहूं अनुसंधान संस्थान की ओर से जो किस्में और तकनीक विकसित की गई है वो किसानों के लिए काफी मददगार सिद्ध होगी। कि किसान आंदोलन में राजनीति है, विपक्ष का ये काम कर रहा है। यदि मैं पिछले 20-25 वर्षों पहले की बात करूं आपसे, तो सारे किसान संगठन मांग कर रहे थे कि किसानों को अपना माल बेचने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसान अपना माल मंडी में बेचे या मंडी से बाहर बेचे, ये किसान को अधिकार होना चाहिए। हमारी भारत सरकार ने ऐसा कानून बनाया है कि किसान को एक आज़ादी दी है कि अपना किसान अपना माल कहीं भी बेचे, ये एक अच्छा कानून है। किसान आंदोलन को लेकर पद्मश्री कंवल चौहान ने कहा कि किसानों को सरकार ने आज़ादी दी है, किसान आंदोलन के नाम पर देश में महज राजनीति हो रही है।